A very good morning, student. This is Nalini Singh, and today we are going to start chapter 5, which name is organizing. So the organizing is the second function of management, which we are going to learn in this chapter. So let us start with the meaning and importance of organization. So the origin of the word organization is the form of organism. The meaning of organism is a living individual or a group of interdependent parts. So the meaning of organization ये क्या है, इसका origin organism word से बना था, जिसका क्या मतलब था, a living individual और a group of interdependent. तो इसका मतलब है कि जब कोई साथ में रहता है, जो एक दूसरे, जिसके parts एक दूसरे पर dependent होते हैं, that is called organization or organism. Okay, so the main origin word of organism is from the word organ. So the organism word का जो बना हुआ है उसका organ से बना हुआ है. It can either mean a musical instrument or part of the body. So इसका एक और meaning होता है, which is musical instrument. Musical का कोई instrument होता है और इसके छोटे छोटे parts जिससे कि पूरी body complete होती है. Okay, so the complete body consisting of different organ is called human body. जैसे कि हमारी body है, आप समझ सकते हैं. तो हमारे बॉडी कई सारे पार्ट से मिलकर एक कंप्लीट फीचर्स बना है, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी कई सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि वो कंप्लीट करता है. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और ए ग्रुप ऑफ पीपल. ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लोगों का, मतलब कई सारे लोग जब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं. ओके, सो वी ऑलवेज रिमेंबर दैट ओनली ग्रुप ऑफ पीपल कैन नॉट बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन. तो अब हम ये समझे कि अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इज़ रॉन्ग. ये इसको ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन नहीं करता है. कैसे करता है, इफ़ सम पर्सन आर प्रेजेंट ऑन समवेयर फॉर सम ऑब्जेक्ट, इट कैन नॉट बी सेड अन ऑर्गेनाइजेशन. सो इट कैन बी सेड अन कंक्लूजन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर कोऑपरेटिवली अंडर अथॉरिटी टू पर्स अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट म्यूचुअल बेनिफिट द पार्टिसिपेंट एट द ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं किसी अथॉरिटी के अंदर, और उनका अचीव कोई गोल है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं. सो देर इज़ ए देर शुड बी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वेन वी आर वर्किंग टूगेदर, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरप्रेटेड एज अ प्रोसेस ऑफ Building together framework of position which can be used by the management for the purpose of accomplishing the enterprise goal. It involves coordinating the employees' activities in an efficient manner for accomplishing the object of the enterprise. So this was the meaning of organization, and there's some definition of organization. Now we are going to learn characteristics of organization. So there is many characteristics of organization. So let us start with the first. So the first point is organization should have two or more than two persons. So जो organization है, मतलब group हमें जो बनाना है, so यहाँ पर एक person से काम नहीं चलने वाला है. We cannot define with one person as organization. There should be two or more than two persons. So okay. And after that, the next point is organization should have specific object. जैसे कि हम 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हम कोई business या काम करते हैं, यहाँ पे ज़रूरी है कि हमारा कोई ना कोई object हो जिसके achieve करने के लिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं. So organization में भी कुछ ना कुछ specific object होना चाहिए जिसे हम achieve करने के लिए process कर रहे हैं. And then the next point is organization should have predetermined object. So organization में we are doing whatever. सो वहाँ पे जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने पहले से तय कर लिया है कि हमें क्या करना है, उस पर हम प्रोसेस करते हैं, हमें कौन सा गोल ऑब्जेक्ट करना अचीव करना. सो ये हम पहले ही प्लान कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ग्रुप ऑफ पर्सन. तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ग्रुप ऑफ पर्सन है. नो देयर इज नो सिंगल पर्सन जो कि किसी एम को अचीव करना चाहता है. कोई भी कंपनी किसी सिंगल पर्सन के थ्रू नहीं चल सकती, यहाँ पे कई सारे काम होते हैं, कई सारी एक्टिविटी होती है. एंड ऑल्दो फर्म और अ कंपनीज हैव बीन कॉल्ड एज पर्सन बाय लॉ, दीज आर द आर्टिफिशियल पर्सन. सो वर्किंग ऑफ 4 और 14 कंपनीज टुगेदर विल बी डिफाइंड एज अ ग्रुप, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन.
The next is organization should have leadership. So one leader is necessary to give right direction. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे ज़रूरी है कि कोई ना कोई एक पर्सन डायरेक्शन करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए होना कंपलसरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस. सो क्योंकि हमारा काम कंटिन्यूस चलता रहता है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस इट मीन्स अ वर्क ऑलवेज गोज ऑन इट. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ काम चलता रहता है लाइक परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह की प्रोसेस होती ही रहती है, वो बंद नहीं होती है. तो ये एक प्रोसेस है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फंक्शनल प्रोसेस. फंक्शनल प्रोसेस क्यों? क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्ट को जो अचीव करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, वेदर इज़ पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव. ओके. एंड देन नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे क्या ज़रूरी है किसी भी एम को अचीव करने के लिए? कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयज़. ओके. एक दूसरे के साथ होना चाहिए. एंड देन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ फॉर्मल रिलेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? एक फॉर्मल रिलेशन होना चाहिए. मतलब हम अपने घर नहीं समझें, उसे काम की जगह, और जिस तरह से हम किसी फॉर्मल जगह पे होते हैं उसी तरह से फॉर्मली होकर हमें अपना काम करना चाहिए. सो इन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ फॉर्मल रिलेशन अमंग ऑल द मेम्बर्स. एंड देन द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एवरीवेयर. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर जगह होता है, वेदर इट्स इंडस्ट्री, बिजनेस, पॉलिटिकल पार्टी, फैमिली, सोसाइटी, इकोनॉमिक. क्योंकि हम हमेशा किसी ना किसी पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, हमेशा हमें किसी की ज़रूरत होती है. कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी है तो किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए. सो ये कैसा है? सब जगह पे होता है ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स देख लिए हैं. उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सो द फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन. इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हमको क्या फोकस करना है कि हमारी क्वालिटी बेस्ट हो बट कॉस्ट क्या हो? मिनिमम हो, ताकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम आए और हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले. सो इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन. नाउ इकोनॉमी एंड टाइम और लेबर. तो अब हमें ये देखना है कि हम अपने मशीन बेस्ट, अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट इक्विपमेंट, मशीन्स, मेथड को अप्लाई करके अपने टाइम और लेबर को सेव करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं. द नेक्स्ट इज कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. सो देर इज़ ए नेसेसरी कि हम अपने लेबर और कैपिटल के बीच में कॉर्डियल रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करके रखें, ताकि हम ये एक सेफ गार्ड की तरह काम करें. नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ सर्विस. ड्यू टू सोशल कंसर्न्स द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज़ अ सर्व फर्स्ट देन प्रॉफिट. तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? पहले हम सर्व करते हैं, उसके बदले जो हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट. तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके. आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट स्टार्ट. So the famous industrialist of America for explaining the need of organization and its importance said while disposing of his assets in 1901. तो अमेरिका में जब किसी इंडस्ट्री के मालिक की सारी प्रॉपर्टी, सारे एसेट्स को डिस्पोजिंग किया जा रहा था तो उन्होंने क्या बोला? You take our work, assets, factory, everything, but leave the organization with us. उन्होंने कहा आप मेरा सब ले लीजिए, काम ले लीजिए, फैक्ट्री ले लीजिए, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी एसेट्स है सब ले लीजिए, बट मेरे साथ मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरी टीम को छोड़ दीजिए. विथ इन फ्यू ईयर्स वी शैल रीस्टैब्लिश आवर सेल्फ. तो कुछ सालों बाद हम फिर से अपने आप को खड़ा कर लेंगे, जैसे हम जहाँ थे वैसे हम अपने आप को बना लेंगे. सो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स अदर नेम दैट इज़ स्ट्रेंथ. विद स्ट्रेंथ एंड विद स्ट्रेंथ सक्सेस इज पॉसिबल. सो अगर इस स्टेटमेंट के थ्रू हम समझें तो ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेंथ. और स्ट्रेंथ एक पॉजिटिव थिंग है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी तरह की सक्सेस को अचीव करने में पॉसिबल है. सो यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंथ एंड विद स्ट्रेंथ सक्सेस इज पॉसिबल. सो इस स्टेटमेंट से आपको समझ में आता होगा किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस, किसी भी इंटरप्राइज या इंडस्ट्री के लिए उसका ऑर्गेनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है और उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड इन एनी फील्ड. तो जो इम्पॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन की है वो हम किसी भी इंडस्ट्री में कम नहीं कर सकते हैं. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर हाईलाइटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. सो दे आर सम पॉइंट्स
highlighted of importance of organizing. So the first point is effective formulation of policy. तो हर एक कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ पॉलिसी फ्रेम करती है जिसके अकॉर्डिंग सब ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करती है. सो इट इज़ द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट इज़ फॉर्मुलेटेड ऑल पॉलिसी. जो एडमिनिस्ट्रेशन या होता है वो क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है पॉलिसी को, उसी पॉलिसी के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सारे सभी काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेम्बर्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनकरेजमेंट टू स्पेशलाइजेशन. तो इसको भी हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ इनकरेजमेंट. इट मींस जो भी हमारे डिवीज़न ऑफ लेबर जो प्रिंसिपल है, हमने पढ़ा डिवीज़न ऑफ लेबर का पढ़, तो क्या है, जो भी एम्प्लॉयज़ जिसके काबिल है, जिसकी इफ़िशेंसी जिस काम में जितनी ज़्यादा अच्छी है, उसको उसके इंटरेस्ट और उसकी काबिलियत उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम उसको वो काम दें. तो उससे क्या होगा, वो काम को बेहतर करेगा, साथ ही साथ उस काम में उसको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जो चीज़ हमसे बनती है उस काम में हमको करने में ज़्यादा मज़ा और इंटरेस्ट आता है, राइट. तो यहाँ पे इनकरेजेस टू स्पेशलाइजेशन, जिसका स्पेशलाइजेशन जिस काम में, हम उसको उस काम के लिए इनकरेज करें या उसको वो काम सौंपें. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी. जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो डिसिप्लिन होता है या फिर हम प्रिंसिपल समझे कोऑर्डिनेशन का, जिसमें कोऑर्डिनेशन को प्रायोरिटी दी जाती है. तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन जो मैनेजरियल एफिशिएंसी होती है वो भी इंक्रीज होती है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज फिलिप टू ग्रोथ. तो इट कैन बी नोन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ ओल्ड एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन दैट देयर ग्रोथ हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है तो हमारे बिजनेस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगी. द नेक्स्ट इज टू वर्क सिस्टमैटिकली. अगर हम एक प्रॉपर पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में सही डायरेक्शन देते हैं, एवरीथिंग इज़ क्लियर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है. कौन किसको क्या कब कैसे करना है ये सबको पता है, तो वो एक हमारा सिस्टमैटिक फॉर्मेट में काम चलेगा. सो सिस्टमैटिकली काम करना भी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ. इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी. क्योंकि हमने देखा है पिछले पॉइंट में, ऑब्जेक्ट में, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उसका जो फैक्टर है उसको हम मिनिमम करें. सो इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होगी जब हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे. एम्प्लॉयज़ वर्क विद, हमारे एम्प्लॉयज़ पूरी डिवोशन के साथ वर्क करेंगे, सो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होगा. सो म्यूचुअल कॉपरेशन विद द हेल्प ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन और ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन बीच, सभी एम्प्लॉयज़ सभी के बीच में क्या होगा, कॉरपोरेशन, क्योंकि हम सबको सही तवज्जो दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग काम दे रहे हैं, उनको अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, उनको सर डिस्कस कर रहे हैं, कॉरपोरेशन बना के चल रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिससे कि म्यूचुअल कॉरपोरेशन भी करता है हेल्प. उसके बाद प्रिवेंट करप्शन. इससे क्या होगा, जब सारी चीज़ें सिस्टमैटिक चलेगी, देर इज़ ए नो प्लेस फॉर करप्शन इन द साउंड ऑर्गेनाइजेशन. एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं ख़त्म हो जाते हैं. द नेक्स्ट इज़ बेस्ट कंट्रोल. विद अ गुड ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंपनी इंटरप्राइज में एक अच्छा कंट्रोल बना रहता है. अ गुड ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज हैज़ अ फुल डिसिप्लिन एंड वेदर द डिसिप्लिन विल बी गुड कंट्रोलिंग बिकम ईजियर. जहाँ पे डिसिप्लिन होता है वहाँ पे कंट्रोलिंग भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है. फिलिप टू कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग. सो एक्सचेंज ऑफ फ्री थिंकिंग. हम सबको, सारे वर्कर्स को फ्री कर चुके हैं उनके काम के लिए और उनको सोचने के लिए, तो वो भी जो भी सोचते हैं वो हमें प्रेजेंट कर सकते हैं. सो एक कंस्ट्रक्टिव माइंड को क्रिएट कर रहे हैं हम. द नेक्स्ट इज़ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मशीन, मैन, मेथड, सिस्टम, व्हाटएवर, हम सबका यूज़ मैक्सिम सही से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं. और हम क्या करें कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा और हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा. ईजी ट्रेनिंग अरेंजमेंट. हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में ईजी ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करना चाहिए, ताकि लोगों को जल्दी अडॉप्ट कर लें, जो भी चीज़ हम उन्हें सिखा रहे हैं उन्हें बता पाएँ.
और जब हम कुछ नई टेक्नोलॉजी या कुछ भी मेथड लाते हैं तो ज़रूरी कि यहाँ पे छोटी मोटी ट्रेनिंग और इजी ट्रेनिंग का अरेंजमेंट हम करें। उसके बाद ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, सो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क विथ विच द एंटरप्राइज कैन एक्सपेंड एंड ग्रो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को किस तरह से एक्सपेंड और ग्रोथ करना है, जिससे कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम अपने ग्रोथ के तरफ बढ़ते हैं। अदर इम्पॉर्टेंस, तो अदर इम्पॉर्टेंस क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हम अपने वर्कर्स को अथॉरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है, साथ ही साथ उनका मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। सो वट एवर द टाइप ऑफ बिजनेस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी डाउन। तो कितना हम किसी भी बिजनेस, कैसा भी बिजनेस का टाइप हो, हम ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ से अलग नहीं कर सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ ब्लेसिंग ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू द यूजेस ऑफ बिजनेस इंक्रीज कैन बी डन इन द यूटिलिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स। हियर्स ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज अ बैड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ कैपेसिटी टू रन एनी बिजनेस। नाउ द आइडल ऑर्गेनाइजेशन, सो द इन आइडल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फॉलोड हेल्पफुल इन अचीविंग एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुड बी क्लियरली मैंशन। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें क्या क्या अच्छाई होती है या गुडनेस होती है। सो द अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी देते हैं ऊपर के जो हेड होते हैं वो नीचे तक सबको उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं, क्लियरली मेंशन कर देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को जितने भी सतर्कता रखनी है वो बता दिया जाता है। एरिया ऑफ कंट्रोल शुड नॉट बी वाइड, जो कंट्रोलिंग एरिया होता है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया जाता है। कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्रिएट किया जाता है, सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन को, एंड इसमें क्या होता है क्वालिटी और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। देयर रिमेंस अ हाई मोरल अमंग द एम्प्लॉइज। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें पता कर ली है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, सो ये आप सर्कल देख रहे हैं जिसको हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू मेंशन कर रहे हैं। तो 1, 2, 3 करके आपको सारे प्रोसेस और स्टेप, आप इसको स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर सेम। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज मेंशन, दैट इज एस्टैब्लिश ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड देन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी एंड एलोकेशन ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन एंड इंट्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग आइडल एनवायरनमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड टूल, एंड द लास्ट इज मेंटल रिवोल्यूशंस। सो अब हम हर एक पॉइंट को समझते हैं। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट जो है, जो हमें करना है उसको हमको एस्टैब्लिश करना है। हमें अपने इंटरप्राइज में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कैसे करना है, फर्स्ट पॉइंट पे हमें ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जिसको पता ही नहीं हो कि हमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है जो कि हमें अचीव करना है। सो सबसे पहले हमको एस्टैब्लिशमेंट किसका करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स का। उसके बाद द नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी, आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम एंड ऑब्जेक्ट द नेक्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी एंड इट्स डिवीजन। आफ्टर जब हमने डिसाइड कर लिया फर्स्ट पॉइंट पे कि हमें करना क्या है, अब कौन सी एक्टिविटी को किस तरह से डिवाइडेशन करना है, कौन किस ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा और किस एक्टिविटी को पूरा करेगा, उसको हम डिटर्मिनेशन और डिटरमाइन करेंगे। तो मतलब हम अपने काम का डिवीजन करेंगे, ओके। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है किस ग्रुप में कौन सा एक्टिविटी आएगा, जैसे कि प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन में आएगा, मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग में आएगा, तो इस तरह की हमको ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी इनटू डिपार्टमेंट, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हम उस बेसिस पे बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो जब किसी बड़ी कंपनी में बड़े सारे काम होते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं, और डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही काम करेगा,
और हर डिपार्टमेंट में एक हेड होगा जो सारे काम को देखेगा। जैसे कि एडवर्टीज़मेंट करना है तो एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट, परचेस और सेल्स का देखना है तो परचेस डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मतलब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर इंक्रीज़ करना है, बेचना है उसको डिसाइड करेगा मार्केटिंग। फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रोडक्शन किया जा रहा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इस तरह से सारे डिपार्टमेंट का काम ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद है एलोकेशन ऑफ वर्क। आफ्टर द क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटी, ऑल ग्रुप एक्टिविटी शुड बी एलोकेटेड टू द एम्प्लॉयड। अब हम अपने एम्प्लॉयज़ को बताएंगे कि वो किस किस ग्रुप में क्या क्या काम करने वाले हैं। आफ्टर द एलोकेशन ऑफ वर्क हमको क्या देना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हमने पढ़ा है प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जब हम किसी को काम देते हैं तो उसके साथ साथ हमको उससे रिलेटेड उसको कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है। तो उस काम से लेके कुछ अधिकार और कुछ ड्यूटीज़ हमें उसे सौंपना चाहिए जो कि हम इस स्टेप में करेंगे। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेशन एंड इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए। अब जब हमने काम का एलोकेशन, डिवाइडेशन, क्लासिफिकेशन सारी कुछ चीज़ें कर दी है, उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक मेंबर में अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, साथ ही साथ उनके ऑफिस अदर एम्प्लॉयज़ के साथ और उनके डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ उनका इंट्रोड्यूस कराना, उनका क्या काम है, किसके साथ है, क्या राइट, क्या ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी है। उसके बाद प्रोवाइडिंग आइडल इन्वॉर्मेंट, ये सारी चीज़ कराने के लिए अब जो वर्कर्स हमारे एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं तो उनको हमें क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, एक आइडल इन्वॉर्मेंट जहाँ पे वो काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट होनी चाहिए, जैसे कि एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, पानी पीने का कुछ सुविधा होनी चाहिए। सो इस तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड करानी होती है अपने एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। सो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में जो मशीन्स टूल्स होते हैं उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि वर्कर हमारे सही से काम कर सकें। सो और अननेसेसरी मूवमेंट ना हो, सही जगह मशीन हो, किसी तरह का टाइम वेस्टेज ना हो, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। अननेसेसरी टाइम और अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए वर्कर्स की, इस तरह से हमें सिस्टमैटिक चीज़ें अरेंज करना चाहिए। द लास्ट पॉइंट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ मेंटल रिवोल्यूशंस। सो ऑल द अबव रिजल्ट इज़ मेंटल रिवोल्यूशंस। द एंटायर थिंकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडरगोस अ चेंज विच फर्दर रिजल्ट इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू। तो हमें क्या करना चाहिए, सोचने के लिए भी उन्हें मौका देना चाहिए, सोचने और बोलने के लिए, ताकि वो नई नई चीज़ें हमें आकर बताएं और प्रेजेंट करें। तो ये था हमारा प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके 9 पॉइंट थे, और आपको इसे स्टेप में ही एक्सप्लेन करना है, इसे स्टेप्स को आप आगे या पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, जो कि है फंक्शनल और डिविजनल। So we are talking about organization structure. So what is organization structure? The meaning of organization is structure includes how an organization is established and what are the components. So as you can see, there is a chart structure of organization and there is a two part. First is functional structure and second is divisional structure. A human body is a structure of different organ like bones, skin, muscles, blood, nerves, etc. Human body kai sari cheeze se bani hoti hai jo maine aapko naam liya. Similarly, an organizational structure including different elements. So usi tarah se organization ke bhi kai sare elements hote hain which is different. So organization structure deal with a overall organization arrangement and an enterprise. So organization structure fix the limitation of right and responsibility among specific individual and employees. So there is some definition of organization structure. Now we come to the determination of organization structure. So किसी भी organization में उसका structure, जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में भी उसके स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। सो द फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑब्जेक्टिव,
हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसा है, कितना है, ये सारी चीज़ें भी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। उसके बाद साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिजनेस का साइज़, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कितना बड़ा है, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसका स्मॉल है, सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, क्या चीज़ है। उसके बाद मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, जो हम काम कर रहे हैं उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ कैसी है, किस तरह की स्ट्रेटजीज़ को हम फॉलो करके अपना काम पूरा करते हैं। आफ्टर दैट एबिलिटी ऑफ मैनेजर, जो मैनेजर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी और दे हाउ मच दे आर कैपेबल, किसी भी काम को करने के लिए वो कितने एबल, कितने कैपेबल हैं, ये भी देखा जाता है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट द एनवायरमेंट, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं एंड इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन की सही है कि है, जैसे किसी भी हर एक कंट्री की हर एक सिचुएशन अलग अलग होती है, तो किसी भी कंट्री की जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी अफेक्टेड करती है। इसके बाद इक्विटी ऑफ पावर, किसी भी काम करने के लिए इक्वली पावर होना चाहिए, वहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे फिर डिस्प्यूट होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लोगों के बीच में, कॉपरेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्विटी ऑफ पावर भी असर करती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। फिर उस पर स्पैन ऑफ कंट्रोल, द मैनेजर्स कैन बी एफिशिएंट कैपेबल बट दे आर हैविंग अ लिमिटेशन स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑन सुपरवाइजर। तो यहाँ पे कई सारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं, बट देर इज़ अ लिमिट, एक लिमिट तक। तो वहाँ पे लिमिट कितनी है, कहाँ तक है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। उसके बाद मोरल ऑफ वर्कर, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ इंगेज। तो कितने सेटिस्फाई हैं वो अपने काम से या फिर एनवायरमेंट से, ये भी अफेक्टेड होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके मेरिट्स और डेमेरिट्स। उसके बाद हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के और भी कई सारे टाइप्स हैं उसको हम पढ़ेंगे।